आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। कांग्रेस मांगे मोर, पर हेमंत पर नहीं चलेगा जोर। विभागों के बंटवारे को लेकर जिच बरकरार। डॉक्टर रामेश्वर उरांव चाहते हैं गृह विभाग, कांग्रेस के पास हो मंत्रियों को लेकर भी नहीं बन पाई है दोनों दलों में सहमति। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में महागठबंधन की सरकार अभी मुकम्मल तौर पर आकार नहीं ले सकी है। महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की उबाल लेती महत्वाकांक्षाओं ने सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के सामने असहज स्थिति उत्पन्न कर दी है। मंत्रियों की संख्या और विभागों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस की ओर से पैदा की जा रही जिच के बीच हेमंत सोरेन की चुनौती इस बात को लेकर है कि वे कैसे संतुलन साधते हैं। हालांकि हेमंत अब राजनीति के परिपक्व खिलाड़ी हैं और उम्मीद यही है कि वे इस गतिरोध का बेहतर समाधान निकाल लेंगे। बहरहाल कांग्रेस नेताओं की महत्वाकांक्षा की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष खड़ी हुई चुनौतियों पर बारीक निगाह डालती दयानंद रॉय की रिपोर्ट। 29 दिसंबर को जब हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ कांग्रेस के दो विधायकों डॉक्टर रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। उम्मीद की जा रही थी कि खरमास खत्म होते ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सरकार मुकम्मल आकार ले लेगी, लेकिन सरकार बनने के 18 दिन बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार न हो पाने के पीछे जो परिस्थितियां हैं वो कांग्रेस की महत्वाकांक्षा की वजह से उपजी हैं। कांग्रेस की सरकार में हिस्सेदारी की बढ़ती हुई मांगों के कारण हेमंत सोरेन के लिए स्थितियां बहुत सहज नहीं हैं। हेमंत सोरेन दिल्ली दरबार होकर आ गए, पर अब तक मंत्रियों की संख्या और उनके बीच विभागों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव गृह विभाग कांग्रेस के पाले में चाहते हैं। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण विभाग कांग्रेस अपने हिस्से में चाहती है। जाहिर है 16 विधायकों वाली कांग्रेस 30 विधायकों वाली झामुमो पर दबाव डाल रही है और इस स्थिति ने हेमंत सोरेन को थोड़ा असहज तो कर ही दिया है। हालांकि हेमंत सोरेन ने इस मामले में उदारता दिखाते हुए सोनिया गांधी, आरपीएन सिंह और उमंग सिंघार के साथ मिलकर मंत्रियों के बीच बंटवारे को लेकर आम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, पर ये आसान काम नहीं है। शपथ ग्रहण के दिन ही दिख गई थी कांग्रेस की महत्वाकांक्षा। 29 दिसंबर को जब हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस दिन हेमंत के अलावा कांग्रेस के कोटे से एक तथा राजद के कोटे से एक ही मंत्री को शपथ दिलाने पर सहमति बनी थी, पर 28 दिसंबर की रात को समीकरण बदला और 29 को कांग्रेस के कोटे से दो मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार हेमंत पर मलाईदार विभाग उसके मंत्रियों को देने को लेकर दबाव बनाए हुए है। हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल ये है कि महागठबंधन का घटक दल होने के कारण कांग्रेस की मांग को पूरी तरह नकारना उनके लिए संभव नहीं हो रहा है। वहीं 30 विधायकों वाली पार्टी का मुखिया होने के कारण वो अपनी पार्टी का मान सम्मान भी बचाए रखना चाहते हैं। पार्टी विधायकों में से किसे मंत्री पद देना है ये तो हेमंत तय कर चुके हैं, पर दिक्कत उन्हें कांग्रेस की मांगों से आ रही है। 17 को बैठक और 19 को हो सकता है विस्तार। 17 जनवरी को झारखंड में जीत कर आए कांग्रेस के 16 विधायक दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलेंगे और संभवतः वहीं कांग्रेस के बाकी बचे अन्य मंत्रियों के नाम फाइनल होंगे।
महागठबंधन में हुई डील के मुताबिक 4 विधायकों पर एक मंत्री पद फाइनल हुआ था, पर जब एक विधायक पर राजद ने एक मंत्री पद ले लिया तो कांग्रेस भी अपने लिए 5 मंत्री पद चाहती है। इनमें से 2 शपथ ले चुके हैं कांग्रेस स्कूली शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग के अलावा ग्रामीण विकास या नगर विकास विभाग चाहती है। कांग्रेस गृह और वित्त विभाग की भी मांग कर रही है, पर हेमंत सोरेन इसे अपने पास रखना चाहते हैं, जबकि गृह, कार्मिक और वित्त विभाग झामुमो अपने पास रखना चाहता है। इस मामले में गतिरोध समाप्त करने के लिए हेमंत ने मंगलवार रात दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत की और बुधवार को रांची लौट आए। मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर हेमंत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से बातचीत की और सहमति बनाने की कोशिश की। सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर मामला सुलझ गया है। 17 जनवरी को सोनिया गांधी संघ पार्टी विधायकों की बैठक के बाद हेमंत सोरेन को मंत्रियों के नाम बता दिए जाएंगे और 19 जनवरी को हेमंत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अपनी शर्तों पर सरकार चलाना चाहिए हेमंत सोरेन को। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर रघुवर दास को हराकर चर्चित हुए सरयू राय ने बातचीत के दौरान कहा कि हेमंत सोरेन को अपनी शर्तों पर सरकार चलाना चाहिए। कांग्रेस जो कि महागठबंधन का घटक दल है तो उसकी मांग को पूरी तरह नकारना तो नहीं चाहिए, पर एक सीमा रेखा अवश्य खींचनी चाहिए। जाहिर है अगर हेमंत सोरेन एक लकीर खींचकर चल पाए तो ये उनकी सफलता मानी जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें बार बार मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। झारखंड की राजनीति के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस हेमंत सोरेन पर दबाव बनाकर अधिक से अधिक विभाग हासिल करना चाहती है और इस फॉर्मूले पर वो काम भी कर रही है। ऐसे में हेमंत सोरेन को एक लकीर खींचकर उस पर टिके रहना चाहिए। कांग्रेस ये अच्छी तरह से जानती है कि महागठबंधन में रहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि महागठबंधन में रहकर ही वो बेहतरीन प्रदर्शन कर पाई है। यदि वो अधिक दबाव बनाती है और महागठबंधन से अलग कुछ सोचती है तो किरकिरी उसी की होगी। झामुमो तो अकेले भी कांग्रेस पर भारी है। हेमंत सोरेन को कांग्रेस की अनुचित मांगों पर 2 टूक रुख अपनाना चाहिए। यदि झामुमो कांग्रेस को अधिक मंत्री पद दे देता है तो फिर अपने विधायकों को उचित अनुपात में मंत्री पद देना उसके लिए मुश्किल होता जाएगा। झामुमो के कोटे से मंत्री पद के दावेदारों में स्टीफन मरांडी, चंपई सोरेन, नलीन सोरेन और मिथिलेश ठाकुर के अलावा जोबा मांझी और दीपक बिरुआ के नाम भी हैं। ऐसे में अपने विधायकों की कीमत पर हेमंत को कांग्रेस की मांग पूरी करना आसान नहीं है। जाहिर है कि हेमंत सोरेन के लिए बतौर मुख्यमंत्री इन चुनौतियों से निपटना आसान नहीं है, पर राजनीति की शतरंज खेलते खेलते मैच्योर हो चुके हेमंत सोरेन इस गतिरोध को दूर करने में सफल रहेंगे, इसकी संभावना ज्यादा है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।